क्या यूपी में अपनी खोई जमीन वापस पाने में कामयाब होगी कांग्रेस? क्या प्रियंका के तीखे तेवरों से यूपी में कांग्रेस तलाश पाएगी अपनी जमीन? यूपी देश का अकेला ऐसा प्रदेश है जो कुछ एक अपवाद को छोड़ हमेशा से दिल्ली के सिंहासन तक का रास्ता तय करता रहा है। एक वक्त था जब प्रदेश में कांग्रेस का राज हुआ करता था, लेकिन यूपी में पार्टी पिछले करीब 3 दशक से भी ज्यादा वक्त से सत्ता से बाहर है। ऐसे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की जमीन तलाशने के लिए इस बार अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। सियासी जानकारों की माने तो यूपी को मथने में प्रियंका गांधी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और इस मामले में अपने भाई राहुल गांधी से 2 कदम आगे बढ़ती हुई दे रही हैं। पिछली बार यानी 2017 के चुनाव में राहुल ने एसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया था, जो बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। इसीलिए यूपी के प्रभारी महासचिव ने इस बार अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में प्रियंका के इस कदम की तारीफ इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि उन्हें एक फ्लॉप फिल्म को दोहराने की रिस्क लेने के बजाय कांग्रेस को अपने दम पर ही इस चुनावी दंगल में उन्होंने उतारा है। जानकारों की माने तो फिलहाल ये कोई नहीं जानता कि इसमें प्रियंका गांधी को उन्हें किस हद तक कामयाबी मिलेगी, लेकिन उन्होंने अपना या अपनी पार्टी का वजूद बचाने के लिए यूपी के इस चुनाव प्रचार में जो आक्रामक तेवर अपनाए हैं, लोकतंत्र में उसका स्वागत होना चाहिए। वो इसलिए कि जनता से जुड़े रोजमर्रा के मुद्दों को अगर विपक्षी दल नहीं उठाएंगे तो सरकार चाहे जिस भी पार्टी की हो उसके निरंकुश होने की संभावना कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे भी देश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला दशकों से चलता आ रहा है, लेकिन इतनी जहरीली भाषा का इस्तेमाल पिछले कुछ वर्षों से हुआ है। पीएम मोदी ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा था, तो उसका जवाब देने के लिए प्रियंका गांधी ने भी मोर्चा संभाला और अपने अंदाज में जवाब भी दिया। जानकारों की माने तो प्रियंका राजनीति में इतनी माहिर तो हो ही चुकी हैं कि कब कहां और कैसे सरकार पर हमला करना है, लिहाजा उन्होंने 70 साल बनाम 7 साल की तुलना करते हुए मोदी सरकार पर बरसने में कोई कोताही नहीं बरती। प्रियंका ने कहा, जो कहते हैं 70 सालों में कुछ नहीं हुआ वो बताएं कि 7 सालों में क्या किया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रियंका गांधी इन आक्रामक तेवरों से यूपी में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन क्या वापस हासिल कर लेगी। इंडिया न्यूज़ वारल की रिपोर्ट।